तो विंडोज 11 का फर्स्ट इनसाइडर प्रीव्यू यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अगर आपके पास नहीं आया है तो जल्दी आ जाएगा, धीरज रखिएगा। 22,000.51 जी हाँ, ये वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कौन से कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई फीचर्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल तो ये फीचर्स डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक्चुअल में यहाँ पर विंडोज 11 का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर फिलहाल टेस्ट नहीं किया है। हाँ पता है मैं थोड़ा काफी लेट हूँ एंड काफी ज्यादा वर्कलोड मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि कल आपको एक विंडोज 11 से रिलेटेड एक वीडियो जरूर से देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं खुद इंस्टॉल करूंगा विंडोज 11 को। जी हाँ, वर्चुअल मशीन से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा विंडोज 10 के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो फिलहाल तो यहाँ पर इरेज नहीं करना चाहता। एंड एक्चुअल बिल्ड जब तक नहीं आता तब तक मैं विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं करने वाला। तो एक डेमो टेस्टिंग के लिए वर्चुअल मशीन में विंडोज 11 टेस्ट कर लेंगे, उसके फीचर्स जान लेंगे एंड क्या कुछ देखने मिलता है। बट फिलहाल तो यहाँ पर जो फर्स्ट इनसाइडर प्रीव्यू निकल के आता है उसमें हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले फीचर्स देखने मिलता है वो है लेआउट्स का। मतलब यहाँ पर स्नैप ग्रुप्स एंड स्नैप लेआउट्स आपको देखने को मिलने वाले। मतलब क्या कि आपका जो भी यहाँ पर टास्क ओपन किया होगा, मल्टीटास्किंग की जैसे फीचर्स होते हैं यहाँ पर, आपको बहुत सारे ग्रुप्स में आपको सेक्शंस में देखने को मिल सकता है। तो जो भी आपने मल्टी विंडोज ओपन किए होंगे तो आपको किस प्रकार से लेआउट में आपको चाहिए तो वो आप जरूर से कर सकते हो। स्नैप ग्रुप्स एंड स्नैप लेआउट्स, जैसे कि यहाँ पर आप वन टैब टू अनदर टैब जाते हो वैसे अल्ट प्लस टैब दबा के, तो उस हिसाब से आपको बहुत सारे लेआउट्स कस्टमाइजेशन, मतलब थोड़े से आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके मदद से आपको थोड़ा और एक फैंसी लुक देखने को मिलने वाला है विंडोज 11 में। तो दूसरा जो यहाँ पर फीचर आप बोल सकते हो या फिर चेंज आपको देखने को मिलता है विंडोज 11 के इनसाइडर फर्स्ट प्रीव्यू में, तो वो है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको लेफ्ट साइड में सिमिलर आप बोल सकते हो आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक ओएस में जो यहाँ पर फीचर्स थोड़ा हाईलाइट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेटिंग्स का मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर विंडो जो है वो पूरा आपको पूरा देखने को मिलता है, वो है आईपैड ओएस से रिलेटेड इंस्पिरेशंस लेते हुए विंडोज 11 में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो लेफ्ट साइड में आपको सारा कंटेंट्स देखने को मिलता है एंड राइट पैनल में आपको जो भी है वो कंटेंट्स का इन डिटेल डेप्थ सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सब मेन्यूज एंड उसमें भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब डिस्प्ले के लिए आपको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है तो उसको ऐसे ओपन हो जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक नया सेटिंग्स कर दिया है विंडोज 11 में, थोड़ा सिमिलर वे में कर दिया है, ज्यादा कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट इन डिटेल सेटिंग्स जरूर से आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर विंडोज 10 में आपको बहुत सारे सेटिंग्स ऐसे कॉम्प्लिकेशन जैसे भर भर के ऐसे देखने को मिलते थे, कहाँ जाना है किधर जाना है। यहाँ पर आपको जो भी ऐसे एंड्रॉइड है फिर आप बोल सकते हो टैबलेट्स में जैसे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये सेटिंग्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, तो कुछ सिमिलैरिटी इजी यूज हो सके, तो इसकी वजह से विंडोज 11 में ये इंप्लीमेंट कर दिया है। तो तीसरा जो यहाँ पर फीचर्स आपको देखने को मिलता है वो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, तो वो थोड़ा अपडेट्स हो गया है तो यहाँ पर ठीक है। तो अपडेशंस में क्या आता है, न्यू यूआई प्ले वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है एंड विंडोज 11 में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है विंडोज 11 का नया साउंड आपको जरूर से सुनने को मिलने वाला है, नए नोटिफिकेशन साउंड्स या फिर क्लिकिंग साउंड्स। तो जी हाँ, पुराने साउंड्स को अभी भूल जाना, विंडोज 11 में आपको नए नए साउंड्स देखने को मिलते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स में आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का सपोर्ट फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा या फिर कोई हाईलाइट भी नहीं किया है, कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो धीरे धीरे करके जरूर से आएगा, ये विंडोज 11 जस्ट स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, तो वो इंपॉर्टेंट है, वरना विंडोज 11 में तो वैसे आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलते ही है। तो धीरे धीरे करके रिलीज डेट जब आएगा तब जरूर से आपको मिलने वाला है। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन कीबोर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जैसे कि एंड्रॉइड एंड आईओएस में आपको स्विफ्ट कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, थीम्स लगा सकते हो, अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हो। तो वहां पर आपको विंडोज 11 भी ये बोलता है कि आओ हमारे पास, हम भी आपको ये फीचर्स अप्लाई करके देते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर फ्रेंडली थोड़ा नेचर यहाँ पर कर दिया विंडोज 11 में, ताकि जो भी यहाँ पर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ा ये सिमिलैरिटी फील करे। तो कुछ इस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करने का ऑप्शन जरूर से देखने को मिलता है, जेस्टर्स वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पर आता है विजिट्स का, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन जरूर से कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो न्यूज चाहिए न्यूज ले लो, वेदर चाहिए वेदर लग सो, यहाँ पर कैलेंडर वगैरह रखना रख सकते हो, कुछ भी आप चाहिए तो विजिट्स यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है वो कस्टमाइजेशन करना। एंड जी हाँ, जहाँ पर आपको चाहिए वहां पर आपको शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आपके ऊपर कर दिया है। विजिट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो। सिक्स तो जो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है फाइल एक्सप्लोरर। जी हाँ, फाइल मैनेजर में एक मेजर चेंजेस आता है कि मतलब लुकिंग में थोड़ा अलग देखने वाले, बस यहाँ पर डार्क कर दिया है। शायद से कस्टमाइजेशन में थीम भी आपको वाइट देखने को मिल सकती है, हम यहाँ पर जरूर से टेस्ट कर देंगे, जरूर से आपको बता देंगे एक बार। एंड यहाँ पर फाइल मैनेजर में आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर विंडोज वगैरह है वो थोड़े राउंड शेप है, ऐसे पहले रेक्टेंगुलर ऐसे नुकीले थे, तो अब यहाँ पर उनको
फाइल करके पूरा राउंड कर दिया है। एंड जैसे कि राइट क्लिक में आपको रेक्टेंगुलर के ऑप्शंस मिलते हैं तो वो भी आपको थोड़ा राउंड शेप में देखने को मिलते हैं। एंड राइट क्लिक पे जो जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं टिपिकल विंडोज के वही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये होता है पूरा विंडोज 11 इनसाइडर का फर्स्ट प्रीव्यू बिल्ड। एंड ये बिल्ड 22.51 ये वर्जन का है। फिलहाल आपके पास आया नहीं रहेगा तो धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। विंडोज 11 का सिर्फ स्टार्टिंग फेज है, यहाँ पर फर्स्ट प्रीव्यू है जहाँ पर आपको बहुत सारे बग्स एंड इश्यूज जरूर से देखने को मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर विंडोज 11 का फीचर जरूर से एक बार एक्सपीरियंस करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंस्टॉल करो। एंड आप बोलो आपका लैपटॉप का कोई या फिर डेस्कटॉप का कोई डेटा जाने नहीं वाला, सिर्फ एक प्री इंस्टॉल्ड बिल्ड है यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही तरह, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं चाहे तो फिर से रिट्रेस कर सकते हो विंडोज 10 में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप मैं बोलो कि एक वेट करो कि विंडोज 11 का अगर आपको यूज ही करना है तो वर्चुअल मशीन में इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि बग्स एंड इश्यूज बहुत होते हैं विंडोज से रिलेटेड। तो यहाँ पर विंडोज इज इक्वल्स टू बग्स का भंडार, तो यहाँ पर आपको विंडोज 11 में भी बहुत सारे बग्स जरूर से देखने मिलते हैं। रिलीज बिल्ड तक रुकिए ताकि आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का भी सपोर्ट मिल जाए। एंड विंडोज 10 में भी शायद से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिल सकता है, तो एक बार हम बता देंगे आपको। तो इस वजह से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सर के जवाब देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।